सही है, तू टेंशन ना ले। ये निम्न तीन प्रतिबंधों के आधार पर वर्ग करते हैं, ये जो है उसके तीन प्रतिबंध हैं। अब वो कौन कौन से जरा एक बार की अपन डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। देखो जरा, सबसे पहला वो कहता है निकाय में कणों की संख्या, इस जो टोटल संख्या है, अगर अपन कहें कि निकाय में कणों की जो कुल संख्या है, कणों की कुल संख्या क्या होगी, नियत हो, इसका मतलब समय सन एन आई इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। इसका मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें, या समय सन डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो, समय सम डेल्टा एन आई जीरो है, लेकिन डेल्टा एन आई जीरो नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, कणों की संख्या इधर से उधर चेंज हो सकती है, जैसे अपन ने कहा था एक में जीरो, एक में चार, एक में एक, एक में तीन, एक में दो, उसमें दो, इधर वाले में तीन, उधर वाले में एक। इसका मतलब आपस में तो कणों की संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन कुल संख्या, कुल कण तो चार ही है। जो इस अवस्था के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे ही कणों की कुल संख्या तो नियत रहेगी, लेकिन आपस में अवस्थाओं में इंटरचेंज हो सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब लेकिन डेल्टा एन आई इज नॉट, डेल्टा एन आई जीरो नहीं होगा, लेकिन समय सम डेल्टा एन आई क्या होगा, जीरो। मतलब समझे, मतलब कणों की संख्या आपस में तो परिवर्तित हो सकती है, जैसे पहले दूसरे में अंतर निकाल लिया था आपने, दूसरे तीसरे का अंतर निकाल लिया, हो सकता है किसी में बढ़ गया हो, किसी में कम हो गया हो, ये तो पॉसिबल है, लेकिन कुल संख्या नियत रहेगी। ये है जैसे घर में 10 आदमी है, चार कमरे, दो एक में चले गए, तीन एक में चले गए, तीन चार एक में चले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। दूसरी स्थिति क्या काम आएगी जरा वो सुने, अगर मान लो किसी कण की, अणु की ऊर्जा कितनी है, ई आई है, किसी कण की एनर्जी कितनी है, ई आई है, तब कुल ऊर्जा समय सम ई आई एन आई, एन आई कण है, एक अवस्था में मान लो आई हुई अवस्था में कण कितने हैं, एन आई, एक कण की ऊर्जा कितनी है, ई आई। अगर मान लो सारी की सारी अवस्थाओं की कणों की ऊर्जाओं को जोड़ दें तो सारे निकाय की ऊर्जा आ जाएगी हमें, या सारे कणों की कुल ऊर्जा मिल जाएगी, और वो कितनी है, ये भी कैसी होती है, भाई निकाय की ऊर्जा तो नियत रहती है। मैंने ऊर्जा के विभाजन सिद्धांत में पढ़ा कि आधी हाफ के टी गतिज ऊर्जा होती है, हाफ के टी स्थितिज ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा नियत रहती है, के टी आती है एक अणु के लिए, तीनों अवस्थाओं में घूम लेता है तो 3 KT हो जाती है, ऐसे 10 अणु होते तो 10 का इंटू कर देते, ऊर्जा तो नियत रहेगी, लेकिन समेशन ई आई डेल्टा एन इक्वल टू जी। ठीक है सर जी, ये दूसरी, ये अपन ठीक। तीसरी बात, तुम ये सोचना चाह रहे हो सर इसके दो बार डिफरेंशिएशन होगा, एक एन आई के रेस्पेक्ट में और एक ई आई के रेस्पेक्ट में। ई आई तो कण की ऊर्जा है, मतलब हर एक कण की ऊर्जा एक जैसी है, ई आई है, सबको मिला के लिख दिया है अपने तो। होती है आप ये देख, होती है समविभाजन सिद्धांत ये तो कहते हैं होती है, हो रही है तभी तो हम कह रहे हैं, नहीं होती तो कहीं कह रहे हैं। तीसरी बात वो कहता है ऊष्मागतिक जो प्रायिकता होती है वो अधिकतम सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है, कि मैक्सिमम माइक्रोस्टेट्स कितनी है। यही तो हमने कहा है भाई, अपन ने जब ऊष्मागतिक प्रायिकता पढ़ा था अपने कहा था स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं, किसी ने कहा है अधिकतम संख्या होनी चाहिए, लेकिन भाई सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या है, मैक्सिमम संख्या ही तो, इससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते हम, वो अधिकतम हो गया, मैक्सिमम हो गया। अगर मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, अपन क्या करें, अपन ये करें निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, नहीं समझेगा क्या है,
और अगर तो अधिकतम सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है, इसका मतलब ओमेगा मैक्सिमम है। अगर ओमेगा मैक्सिमम है तो लॉग लॉग ओमेगा क्या होगा? ये भी तो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब डेल्टा लॉग ओमेगा करोगे तो, या उसका डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे तो प्रथम अवकलज, भाई कोई राशि अगर अधिकतम है तो उसका प्रथम अवकलज जीरो के बराबर होता है। ये अपन पढ़ते हैं अधिकतम और न्यूनतम वाले पार्टों में। मीन्स डेल्टा लॉग ओमेगा क्या बनेगा? जीरो बनेगा। ये तीस नहीं समझे बात, सारा की सारा ऊष्मा का दिखता है, इन तीन कंडीशनों पे डिपेंड करेगी। चलो जरा डिस्कस कर लें क्या क्या काम है। देखो हर जी अपन को दे रखा है लॉग ओमेगा का वैल्यू, जरा डेल्टा लॉग ओमेगा निकाल ही लो ना पहले, अब कलन कर ही काम चलेगा। चलो करो डिफरेंशिएशन, इसका करोगे तो वन अपॉन एन प्लस लॉग एन को कांस्टेंट रख लो, ये डेल्टा एन, सिंपल सी बात है। चलो माइनस समेशन एन आई लॉग एन आई का करोगे तो वन अपॉन एन आई प्लस लॉग एन आई को तो कॉन्स्टेंट रख लो, समेशन डेल्टा एन आई, काम चलेगा बोलो। तो ये कांस्टेंट होगी ना क्या एन लॉग एन डेल्टा, तो की संख्या कांस्टेंट है। अब वही करेंगे, वही एन लॉग एन है, एन को तो अपन ने कॉन्स्टेंट रखा, लॉग एन का किया है अपन ने, बना बहुत है। अभी रुको, अभी आगे यही जरूर अपन बताने वाले हैं। अपन ने ये कहा है कि डेल्टा एन आई का वैल्यू जीरो है, ये समेशन डेल्टा एन आई जो आ रहा है उसका वैल्यू जीरो है, एन का वैल्यू जीरो थोड़ी। समझे मेरी बात? अब जरा तो काम हो गया, एन कॉन्स्टेंट होता है इसलिए डेल्टा एन भी जीरो हो जाएगा, बात तो भैया नहीं। अच्छा ये कैंसिल, समेशन वन का मतलब तो वन ही होता है। आपके पास वैल्यू क्या बना? डेल्टा लॉग ओमेगा इक्वल टू वन प्लस जीरो माइनस वन माइनस समेशन आई इक्वल टू वन टू एन लॉग माइनस के, इसको ऐसे इसको समेशन की टर्म में लिख समेशन को बाहर इस टर्म का अवकलन कर रहे हैं पूरी, बाद में अगर अपन को रिक्वायर हुआ तो समेशन बाद में आगे ले जाए। तो ये तो कितना बन गया? वन हो गया। समेशन i इक्वल टू 1 टू n log n i डेल्टा n, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा log ओमेगा का वैल्यू आ गया कितना? माइनस के समेशन आई इक्वल टू वन टू एन लॉग एन आई डेल्टा एन। अब मेरे पास तीन कंडीशन हो और उसका वैल्यू भी कितना है? जीरो है। इसका मतलब समेशन आई इक्वल टू वन टू एन लॉग एन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर तीन। मेरे पास तीन समीकरण हो गए, एक तो हो गया समेशन डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो, एक हो गया समेशन ई आई डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो, और एक हो गया समेशन लॉग एन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें?
तीन समीकरण हो गए, तीनों को लॉन्ग रेंज के अनिर्धारित गुणांक विधि से अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। कोई नियतांक मान लेंगे और नियतांकों के मान कर देंगे, एक अल्फा मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। चलो देखो जरा एक बार फटाफट से, फिर अपन आगे बात करते हैं। क्या करो लेकिन लिखा है मैंने ब्रैकेट, लेकिन डेल्टा एन आई इज नॉट इक्वल टू समय से डेल्टा एन आई जीरो, समझो जरा कर लो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर जी ये टर्म जीरो है, ये कहां जीरो, तो जीरो है ही नहीं। हाँ चलो आगे डिस्कस करें, आ जाओ। देखो ये जो विधि है इसमें क्या है, एलएचएस आरएचएस तो सबके बराबर है, जीरो 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 है। अपन क्या करते हैं लांगरांज के अनिर्धारित गुणांक विधि से इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। कोई गुणांक मान लेंगे, उनके मान निकाल के ले आएंगे, बस इतना करेंगे। आओ जरा नहीं बेटा लिखो, देखो जरा समीकरण एक दो तीन को लांगरांज के अनिर्धारित गुणांक विधि से हल करने पर, ये मैं लिखूंगा नहीं। हाँ अच्छा देखो अपन क्या करेंगे इसमें, इस पूरे सिस्टम में समीकरण एक को तो कोई कोएफिशिएंट लॉग अल्फा से कोई बात नहीं, अपन उसका मान निकाल के देंगे, अल्फा का मान निकालेंगे, ठीक है। दूसरा इसको वो बीटा से डिवाइड करता है और सबको जोड़ लेता है। देखो सब में समेशन है, समेशन को तो रख देते हैं आई इक्वल टू वन, समेशन सबके पास है, डेल्टा एन आई भी सबके पास है, ये भी सबके पास है। इसको तो माइनस के लॉग अल्फा से, ये तो हो गया लॉग एन आई माइनस लॉग अल्फा प्लस, इसको बीटा से इंटू करता है इस वाले समीकरण को, तो बीटा ई आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू। अब देखो डेल्टा एन आई तो जीरो नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टर्म जीरो के बराबर रही होगी, चलो या log n i minus log alpha plus k beta e i equal to zero। अच्छा सुनो हमारे इसको जरा ऐसे लिखते हैं, log n i upon alpha काम चलेगा, बोलो बोलो, equal to minus k beta e i, एंटी लॉग ले लो जरा, एंटी लॉग ना को उसको इधर ले लो, एन आई अपॉन अल्फा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई, तो एन आई हो गया अल्फा ई की पावर माइनस के बीटा। ऐसा नहीं लग रहा ये किसी आई पी अवस्था में करो की संख्या है, एन आई इसका मान ऊर्जा बढ़ाने पर चर घातांक के रूप से, समझो इसका ये बड़ी काम की चीज है। हाँ तो काम की चीज क्या है, तो काम की चीज ये है कि जैसे जैसे ई का वैल्यू बढ़ेगा क्या हो गया, ऊपर वाली स्टेप कहां से आई है, अरे मैंने जो एक सांस में बोला था वो यही था। हाँ समीकरण एक दो तीन को लांगरांज के अनिर्धारित गुणांक विधि से हल करने पर, हाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपन क्या करते हैं, अपन ने
समीकरण एक को तो माइनस के लॉग अल्फा एक अचर राशि है उससे गुणा कर लिया किसी कोफिशिएंट से, इसको अपन ने बीटा से इंटू किया है, अपन अल्फा और बीटा के मान निकाल के रख देंगे, बात तो बराबर है। इसी तरीके से लैग्रांज का जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड होता है मैथमेटिक्स में चलता है ये, उससे सॉल्व कर रहे हैं समीकरण को। चलो अच्छा देखो तो नहीं, मैं काम की चीज क्या बताना चाह रहा था तो मेरे काम की, वो ये है कि ई का वैल्यू बढ़ाते हैं तो एन का मान कम हो जाए, इसका मतलब जिस ऊर्जा अवस्था में या जिस ऊर्जा अवस्था जिस भी कलाकोष्ठिका की ऊर्जा ज्यादा होगी, इसका मतलब यह है कि जिस भी कलाकोष्ठिका की ऊर्जा ज्यादा हुई उस कलाकोष्ठिका में कणों की संख्या कम होगी। इसका मतलब यह है कि ई का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा एन का वैल्यू जैसे जैसे क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। ठीक, ये हमारे पास आ गया ni equal to alpha e की power minus के बीटा। अब हमारा काम क्या है इसमें, हमारा काम है अल्फा और बीटा का मान, हमारा काम क्या है अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना। ठीक है, मींस हमने जो नियतांक माने हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको डिटरमिनेट करेंगे, उनका निर्धारण करेंगे कि अल्फा का वैल्यू क्या है और बीटा का वैल्यू क्या है, और वो सारी बातें अपन कल की क्लास में करेंगे। चलो